है, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह आपको खुश रखे। जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है कीमा और मगज़ की रेसिपी। व्यूवर्स, ये बहुत मज़े की बनती है। ईद पे आप लोगों ने इसे ट्राई करना है। ईद पे क्या, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन चले ये ईद स्पेशल जा रहा है तो इसके लिए आपने एक, मेरे पास 500 ग्राम चिकन है और एक मगज़ है। मगज़ आप दो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक प्याज मैंने मीडियम साइज़ का लेके चॉप कर लिया और 200 ग्राम ऑयल आपने लेना है। इसमें प्याज को आपने सोते करना है। बस मैंने ये चिकन का थाई का कीमा लिया। आप बीफ, मटन, अपनी मर्जी से कोई भी कीमा यूज कर सकते हैं। देखिए बस प्याज सोते हो चुका है। एक टेबलस्पून क्रश्ड लहसुन और एक अदरक क्रश्ड, एक डेढ़ इंच का पीस, ये आप लोग इस आपने क्रश्ड कर लेना। अब इसे थोड़ा सा इसमें आपने इसे भूनना है, थोड़ी स्मेल, इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए, तो आपने इसमें टमाटर शामिल करना है। दो मीडियम साइज के टमाटर आपने इस तरह चॉप कर लेने हैं, इनकी कटिंग ऐसी कर लेनी है। थोड़ी देर के लिए आपने इसे बंद करना है ताकि इसके जो टमाटर हैं ये थोड़े से नरम पड़ जाएं। हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। बाकी ये जब कीमा तैयार होगा उसमें भी ये गल जाएंगे। काफी नरम पड़ चुके हैं। अब आप ये देखें, ये कीमा 500 ग्राम आपने ये इसमें शामिल करना है। थोड़ा सा आप इसका कलर चेंज करेंगे और चूल्हा भी आप थोड़ा सा हल्का सा तेज करते हैं, मीडियम से थोड़ा सा हल्का सा हाई फ्लेम पे करते हैं। थोड़ा सा इस कीमे का कलर आपने चेंज करना है इस घी में। देखिए मेरे पास कोई लम्स नहीं है कीमे में, कीमा ऑयल में बहुत अच्छा सा मिक्स हो चुका है। फिर भी आप लोगों ने लम्स बनने नहीं देना, अगर कोई बनता है तो आपने चम्मच की मदद से उसे खोल देना। चलिए कीमे का कलर चेंज हो गया। अब आप इसमें डालेंगे मसाला जात, 2 टेबलस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, नमक बाद में आप चख लीजिएगा जब कीमा तैयार होगा, और 1 टीस्पून साबुत कुटा क्रश्ड सूखा धनिया, ये इसमें जाएगा। एक मसाला है वो एंड में जाएगा खुशबू के लिए। देखिए कितनी प्यारी शक्कर है और कितनी प्यारी इसकी खुशबू है। ये बहुत मज़े का कीमा बनता है, आपने बनाना ज़रूर है, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कीमे की रेसिपियाँ बहुत मज़े की बनती हैं। तो देखिए शक्ल भी देखें आप इसकी कितनी खूबसूरत है। बस व्यूअर्स, आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ी देर के लिए ढक दें ताकि तमाम मसाले जो थोड़े इससे पक जाए, तो फिर ये इसे भून के अगला प्रोसीजर मैं दिखाती हूँ। ये देखें बस इतना ही बड़ा, क्योंकि चिकन के कीमे को बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत ही नहीं होती।
ये बड़ी फटाफट बनने वाला खाना है, 25-30 मिनट में तैयार हो जाता है। कीमे का पानी ड्राई हो चुका है, ये पे मेरे पास एक मग्स है तैयार, मैंने बॉईल करके इसके वो सारे धागे वगैरह वो रख निकाल लिए। अब आप अच्छा है तो इसमें दो मग्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैं एक ही कर रही हूँ। तो अच्छी तरह आपने इसे इसमें भूनना है पानी के छट्टे लगा लगा के। इस मौके पे आपने इसमें हरी मिर्चें भी शामिल करनी है, ये 3 अदद मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें हैं। इतनी प्यारी खुशबू पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है। हल्के हल्का पानी का छट्टा देके आपने कीमे को अच्छी तरह भूनना है कि इसकी बहुत अच्छी सी इसकी जो खुशबू है वो आए। अब आप इसमें इसमें 1 टीस्पून क्रश्ड जीरा भी शामिल करना है। देखें कितना अच्छा कीमा है जो तैयार हो चुका है तकरीबन। बस इसमें मैंने इसे 2 मिनट और पका के इसमें मैंने हरा धनिया शामिल करना है। बस ये देखिए देखें और कितना अच्छा कीमा तैयार हुआ है। आप लोग भी बनाएं, नमक आप जरूर इस मौके पे चख लें, इसका टेस्ट कर लें और देखें बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, बहुत मज़े का कीमा बना है। अल्लाह हाफिज़।